खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी ने इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। 25,000 से ज्यादा शहीद जवानों का नाम लिखा गया है। वॉर मेमोरियल के उद्घाटन में कांग्रेस पर बरसे मोदी, कहा बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक सब में एक ही परिवार पर उठी उंगली। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अमित शाह ने कहा, देश का मूड मोदी के साथ, 2024 के बाद भी मोदी ही पीएम बनेंगे। शिखर सम्मेलन में बोले अमित शाह, कहा मोदी का सफाई कर्मियों के पैर धोने का चुनाव से लेना देना नहीं। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान पर बरसे रामदेव बाबा, कहा पाकिस्तान से निपटने के लिए युद्ध ही विकल्प है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा नेहरू की देन है कश्मीर की समस्या। रॉबर्ट वाड्रा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया। रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ने की मांग उठी, यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगा दिए पोस्टर। उत्तराखंड और एमपी में हुआ एसपी बीएसपी का गठबंधन, एमपी की 3 सीटों पर एसपी, बाकी सीटों पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। मराठा आरक्षण के खिलाफ मुंबई में ओबीसी समुदाय ने निकाला मोर्चा। एमपी के सतना में 2 सगे भाइयों की हत्या पर गरमाई राजनीति, पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना, कहा बिहार के सरकारी तंत्र पर हावी है घुसखोरी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए लगाए मुर्दाबाद के नारे। राम मंदिर पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी फारूक शाह इस्तीफा देने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीआरसी के मुद्दे पर अरुणाचल प्रदेश में भड़की हिंसा पर बोले सीएम पेमा खांडू, कहा भविष्य में भी ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार का आखिरी बजट पेश, बजट में किसान पेंशन योजना का ऐलान। राजनीति में एंट्री कर सकती हैं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, झारखंड पीपुल्स पार्टी ने जमशेदपुर से लड़ने का ऑफर दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी के कुंभ स्नान का मजाक उड़ाया, कहा कपड़े पहनकर डुबकी लगाने वाला पहला शख्स देखा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।